ये लिवरपूल का सेंटर है और इसमें बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, फिर यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, फिर यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है, हर टाइप के ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और ये बड़ी मज़ेदार हैपनिंग वाली जगह है। और दिन के वक्त भी यहाँ पे बहुत रश होता है और शाम के वक्त तो ऐसे लगता है जैसे पूरा शहर लिवरपूल का जो है वो यहाँ आ गया। और इसमें लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, लोग वैसे बैठे होते हैं, खाने पीने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिवरपूल इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त शहर है कि यहाँ पे शाम के वक्त एक्टिविटी बहुत होती है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे ठंड बहुत है और इस अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में इस वक्त भी ठीक ठाक किस्म की ठंड है यहाँ पे। तो जब भी आपने लिवरपूल आना तो आपने कोशिश कीजिएगा कि आपको गर्म कपड़े अपने साथ लेके आएँ। यहाँ पर गर्मी गर्मी नहीं होती, क्योंकि यूके के अंदर ये प्रॉब्लम है कि दिन के वक्त आपको महसूस होता है कि बहुत गर्मी है और लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन जो ही शाम होती है तो यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। अगर यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे गर्मी गर्मी नहीं होती, हर वक्त ही ठंड होती है। जो ही थोड़ी सी बारिश होती है तो फौरी तौर पे यहाँ पे ठंड हो जाती है। यूरोप का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और लिवरपूल से आपको आगे आना पड़ता है, इंग्लैंड के अंदर है, और इसके अंदर सारे के सारे ब्रांड, जो बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, उन सब के आउटलेट्स हैं। और कंपैरेटिवली आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, कोई 20% ऑफ है, कोई 30% ऑफ है, कोई 50% ऑफ है, और किसी जगह पे कोई ऑफ नहीं है। लेकिन यहाँ लोग बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। यूरोप के अंदर कोई अगर शॉपिंग करना चाहता है, सस्ती शॉपिंग करना चाहता है, तो फिर उसे यहाँ आना पड़ता है। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस जगह पे है, आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। बस उससे पहले आप ज़रा इन्जॉय कीजिए कि ये सिर्फ एक सेक्शन है जिसके अंदर मैं इसे फिर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सेक्शन है और ये कहा जाता है कि अगर आपने सारे आउटलेट्स देखने हो तो कम अज़ कम आपको पूरा एक हफ्ता चाहिए। तो लोग यहाँ पर आते हैं, होटल लेते हैं दूर से आके, और उसके बाद फिर तो उसके बाद वो सुबह उठते हैं जी, निकलते हैं, और उसके बाद इस आउटलेट के अंदर फिरते रहते हैं, और जब तक थकते नहीं हैं वो यहीं पे। और इसके साथ होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप होटल ले सकते हैं, उसके अंदर आप रह सकते हैं और सुबह उठें फिर उसके बाद शॉपिंग करना शुरू करें। तो लोग यहाँ से ट्रकों के हिसाब से चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान है, यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं बल्क में, और ख़रीद के फिर उसे कंटेनर भर के पाकिस्तान ले जाते हैं, या फिर उसको जो खेपिए होते हैं, खेपिए उनको कहते हैं खेपिए, तो मुख्तलिफ लोग जो एक एक टिकट पे सफ़र कर रहे होते हैं, अगर उनको अलाउ है 35 kg तो वो 35 kg शर्टें ले जाते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आउटलेट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर वो शर्टों को बेच देते हैं। ये देखें जी, इन्होंने वो कर भी लिया, एक घंटा हो गया इनको और सिर्फ एक इन्होंने थैला छोटा सा उठाया हुआ है और उसके अंदर भी है कुछ नहीं है, दस हमारा ग्रुप है ये बड़ी मज़े की जगह है जी उसके अंदर ना, खाने पीने की भी उसका। और ये बेसिकली पूरा विलेज है, यूरोप के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि वो शॉपिंग विलेजेस बना देते हैं, वो कोई बड़ी सी जगह लेके उसके अंदर आउटलेट्स किराए पे दे देते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स को, मुख्तलिफ डिज़ाइनर शॉप्स को, मुख्तलिफ डिज़ाइनर ब्रांड्स को, और फिर उसके अंदर लोग इस तरह, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यूरोप के अंदर, ये बहुत है इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर, लेकिन इसको सबसे बड़ा कहते हैं। और अगर आप देखेंगे ना ता हद नज़र आपको ये सारे आउटलेट्स हैं, दूर दूर तक जैसे आपको घर लगते हैं लेकिन घर नहीं है, ये सारे आउटलेट्स हैं उसके अंदर, ये आरजी से शॉप्स बना देते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी आना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि अगर मोटरवे के साथ इस टाइप की कोई जगह लेके उसके अंदर ये इस टाइप के आउटलेट्स बनाए जाएं और लोग उसके अंदर सिर्फ शॉपिंग के लिए आएँ तो वो बड़ा मज़े का हो सकता है, जिसके अंदर हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ज़रूरी है कि चीज़ें सस्ती हों। अगर आप फर्ज़ करें इस्लामाबाद के अंदर आपको एक आउटलेट से चीज़ मिल रही है और वो चीज़ वहाँ पर महंगी है, और इस आउटलेट पर आके वो सस्ती मिल सकती है मोटरवे, तो फिर लोग आएँगे
और मोटरवे पे बैठ के चीज़ें खरीदेंगे, उससे बड़ा फ़ायदा होगा उनको और एक एक्टिविटी भी करनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम लगाया हुआ, कहते हैं कि आप 100 पाउंड की चीज़ खरीदें कम से कम और उससे फिर 20% और लेस हो जाएगा आपको, तो 100 पाउंड की चीज़ खरीद के 80 पाउंड आप देंगे। तो ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है जी कि आप एक पूरा विलेज बना दें और लोग उसके अंदर घूमते रहें सारा दिन, एक तफरी भी हो जाती है, लोगों की घूमने फिरने का मौका भी मिल जाता है उनको, फिर वो शॉपिंग भी कर सकते हैं और कंपैरेटिवली सस्ती शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये एक जो सस्ता कॉन्सेप्ट है ना कि सस्ती चीज़ें ले लें और ब्रांड ले लें सस्ते, उसके फ़ायदा ये होता है कि लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, लोग फिर पैसा बहुत खर्च करते हैं उसके लिए। तो ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट हो तो उसका फ़ायदा बहुत है। एक तो बिज़नेस एक्टिविटी हो जाएगी एक बहुत, दूसरा ये है कि लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो किसी एक ही जगह पे बहुत कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जैसे ये नाइकी का है, देखें ना कितना बड़ा इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है, पूरा आउटलेट है जिसके अंदर उनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं नाइकी की। आप जहाँ जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वो देखिएगा सारे ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं हर तरफ, तो ये इनका कमाल है। ये सामने भट्टी साहब हमारे ग्रुप के साथी हैं, ये फिर रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे काफ़ी पिलाएंगे, लेकिन ये दाएं बाएं हो जाते हैं जहाँ काफ़ी की शॉप आती है। तो भट्टी साहब को मैंने पहचान लिया, दूर से मैंने देख लिया है कि इन्होंने काफ़ी का लारा दिया हुआ है मुझे और वहाँ से गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा जी, ठीक ठाक हो? ये देखें अपना बच्चा दिखा रहे हैं मुझे फ्री में। चौधरी साहब है, चौधरी साहब का सलूट कर दो, चौधरी जावेद। ने पूछा था कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जगह कौन सी है। ये देखिएगा, ये लिखा होता है कैशियर ऑक्स। तो कैशियर ऑक्स जगह का नाम है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आप इसको तलाश कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको लिवरपूल से, हम लिवरपूल से यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको लिवरपूल से यहाँ आना पड़ेगा और सबसे बेस्ट है। वैसे तो आप कोई और मेरी मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम रात यहाँ पे लिवरपूल में रुके थे, हमारा ग्रुप है सारा और आईबैक्स का, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो अब इसको एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ना दूर दूर से पूरे यूरोप से लोग गाड़ियों पे आते हैं यहाँ, और गाड़ियों पे आके उसके बाद फिर यहाँ से शॉपिंग करते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, वहाँ पे लोग फूड को एंजॉय करते हैं, फिर उठते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, फिर उठते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, और उसके बाद शॉपिंग करते रहते हैं। और अमूमन ये एक ना बहुत बड़ी एक्टिविटी है शॉपिंग पे, कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट है इस, बहुत बड़ी। आपको स्ट्रेस हो रहा हो तो आप शॉपिंग करें, क्योंकि कंजप्शन जब होती है, आप जब अपना पैसा खर्च करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है आपको, तो आप रिलीफ ले सकते हैं उसको। और इसीलिए जो स्ट्रेस के लोग होते हैं उन सबको कहते हैं कि भाई साहब जो पैसे कमाए ना ज़रा उसको पहले कंज्यूम करो, कंजप्शन से भी बहुत लोगों को रिलीफ मिल जाता है। ये कोई ब्रांड आपने दुनिया में, कोई अगर बड़ा ब्रांड हो तो आप सिर्फ उसको ट्रैक करना चाहें तो यहाँ से लें। और कैशियर ऑक्स इसका नाम है, पूरा टाउन है, पूरा गांव है जिसके अंदर सिर्फ आउटलेट्स हैं, और आउटलेट्स जो है ना वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं। या वैसे तो ये सारा आपको पता मार्केटिंग भी होती है कि वही प्रोडक्ट जो मार्केट से मिलती है आप यहाँ पे उसके ऊपर वही प्राइस लगा के सिर्फ 20% लेस लिखते हैं, तो लोग ये खुश हो जाते हैं कि देखें जी हमने बड़ा सस्ता ले लिया, जबकि सस्ता सस्ता कोई नहीं होता दुनिया में कोई चीज़ भी। ये देखें ना, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आउटलेट है, नेक्स्ट का मैक्सिमम चीज़ें जो थी ना, ये भट्टी साहब मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान से बनती होती थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में नहीं बन रही। उसकी मेन रीज़न ये है कि
बांग्लादेश सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है। तो अब अगर आपने कोई चीज़ कोई भी उठाएंगे नेक्स्ट की, तो नीचे मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा या फिर किसी और वियतनाम का लिखा होगा। वियतनाम से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना अब बन रही हैं। ये बटी साहब बता रहे हैं कि लिवाइस की पेंटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बनती हैं, और ये बात दुरुस्त है। यूएस अपैरल के नाम से कंपनी है, और मियां एहसन उनके मालिक हैं, साथ जावेद भट्टी साहब हैं, दोनों की पार्टनरशिप है। कुछ 27,000 लोग मुलाजम हैं वहाँ पे। तो आज भी लिवाइस का जो मैक्सिमम जीन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं ये, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी रखी हुई है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने देते वो। तो हमारी ट्रेजेडी वो ये भी है कि हम क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, तो कुछ अर्सा तो हम बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं लेकिन उसके बाद फिर हम उसको ख़राब कर देते हैं, तो उस वजह से भी ये मसला बनता है पाकिस्तान। ये एक क्लार्क आपको नज़र आ रहा होगा, क्लार्क आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी मैं पूरी आपको कहानी सुनाता हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है इसके क्लार्क की। क्लार्क जो था ये बेसिकली एक फैमिली थी यहाँ पे यूके के अंदर, और इनका ये बड़े बेचारे गरीब थे, मोची थे, ये जूते बनाते होते थे। बहुत ज़्यादा रिसेशन हुआ जब इंग्लैंड के अंदर, तो उन्होंने फ़ैसला किया हम अमेरिका चले जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए, जमा करने के बाद इन्होंने अपना टिकट बुक करवाया। तो उस दिनों में ये एयरलाइंस नहीं होती थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिप्स पर लोग जाते थे। तो इन्होंने जब एक टिकट बुक करवाया तो वो था दुनिया का जो सबसे बड़ा शिप कौन सा था, टाइटैनिक। तो इन्होंने टाइटैनिक के लिए इन्होंने वो बुक करवाया जी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो टाइटैनिक जो था जब ये पहुँचे तो वहाँ पे इनकी सीट कोई और ले गया था, तो इन्हें उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया। बल्कि उससे पहले वाकई एक और मज़ेदार हुआ कि उनका जो बच्चा था उसको चोट लग गई, उसकी टांग टूट गई। तो अब उसको या तो ये छोड़ के चले जाते या फिर उसको साथ लेके जाते। तो क्लार्क जो था, वालिद शाह था, वो चाहता था कि बेटे को छोड़ जाए और बाकी फैमिली वहाँ चली जाए। तो माँ नहीं मान रही, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने अपना बच्चा नहीं छोड़ना यहाँ पे, तो हमने इसको साथ ही लेके जाना है। तो उसकी वजह से फिर वो नहीं जा सके और रह गए। तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नहीं जा सके, लेकिन बाद में पता चला कि पूरे को वह टाइटैनिक डूब गया। तो ये क्योंकि नहीं जा सके थे तो इससे ये बच गए। जब ये बच गए तो उसके बाद इन्होंने शुक्र अदा किया, फिर इन्होंने दोबारा अपना जो ब्रांड था उसको डेवलप किया अपने क्लार्क के नाम से, जो उनकी फैमिली नेम था। तो उसके बाद अब ये दुनिया में बहुत बड़ा जूते बनाने वाली बहुत बड़ा आउटलेट। ये भट्टी साहब बता रहे हैं क्योंकि मैंने पूरा कॉलम लिखा था, तो उन्होंने कहा जी बच्चे को कुत्ते ने काटा। ये बात दुरुस्त है भट्टी साहब की, कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था जिसकी वजह से वो बेचारे नहीं जा सके, उससे ये प्रॉब्लम हुआ था। इसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने बहुत मुद्दत पहले एक कॉलम लिखा था। अब ये देखिएगा कि ये स्केचर्स है, और इतने ज़्यादा बड़ा मैंने स्केचर की कोई शॉप आज तक नहीं देखी जिसके अंदर मैक्सिमम वैरायटी हो। ये कंफर्टेबल शूज़ बनाते हैं स्केचर्स, और स्केचर्स का ये है कि ये कुछ 5वें 6वें नंबर पे आता है। ये बहुत बड़ा वो नहीं है कंफर्टेबल, लेकिन मैक्सिमम कंफर्ट से इसके अंदर। आपने अगर कैमरा इस्तेमाल करना हो तो आई लेवल पर रखें, इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। तो ये जो हमारे वीलॉग्स हैं ना ट्रेवल्स है, ये होंगे बिल्कुल रिलैक्स किस्म के, इसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, इनफॉर्मल्स है, ताकि आप हमारे साथ ट्रैवल कर सकें और चीज़ों को सीख सकें। और ये आईबैक्स जो कंपनी है हमारी टूरिज़म की, ये पाकिस्तान की पहली टूरिज़्म कंपनी है जो प्रॉपर टूरिज़्म कर रही है। तो उसका ग्रुप आया हुआ है, मैं इनके साथ हूँ, और ये शमाइल जो इसमें कैमरा उठाया हुआ है ये इसको रन कर रहा है, और हम सिर्फ इसके मुलाजम हैं, और ये बग़ैर पैसों के हमसे काम लेता रहता, बॉन्डेड लेबर है इधर। ये है जी शमाइल जावेद है इसका नाम, और ये आईवेस्ट कंपनी जो है इनकी है,
और अब ये बड़ी तेज़ी से इजाफा करता जा रहा है अपने बिजनेस में, और अब ये यूके का इसने स्टार्ट किया हुआ है, और अब ये अमेरिका भी लेके जाएगा, अनकरीब ये अमेरिका का होगा। फिर ये अभी सर्दियां जो है ना, उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को नॉर्थ पोल पे लेके जाएं। तो अभी ये नॉर्थ पोल का अनाउंस करेगा फिनलैंड की तरफ से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ फिनलैंड जा सकते हैं, और वहाँ से हम नॉर्थ पोल पे आपको लेके हम आपको दिखाएंगे कि सर्दियों के अंदर नॉर्थ पोल कैसा होता है। बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही एक्सपीरियंस है, आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो जो मैंने नॉर्थ पोल पे बनाई थी, तो बहुत अच्छा ना हुआ तो अब मैं दोबारा उस वीडियो को अपलोड करूँगा पूरी डिटेल के साथ। तो नॉर्थ पोल देखना जो है सर्दियों के अंदर, ओहो, उसका एक बड़ा तजर्बा है जी, आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है और बेस्ट एक्टिविटी होती है टूरिज़्म। जितना आप उससे लर्न करते हैं दुनिया में, किसी और चीज़ से लर्न नहीं कर सकते आप। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जी अगर हमने यूके आना हो तो हम उसके लिए कर क्या सकते हैं, तो बड़ा सिर्फ आसान सा सिस्टम है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने उसको सिस्टम को फॉलो करना है। याद रखें कि जो यूरोप है या अमेरिका है, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, उसमें आप विजिट के लिए आना चाहते हैं तो बहुत आसान है, सबसे आसान इनके वीज़े हासिल करना या वहाँ पर ट्रैवल करना आसान है। बाकी जो मुल्क होते हैं उसके अंदर इतना आसानी नहीं होती, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लिंक्स चाहिए। तो यूरोप और अमेरिका के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड के लिए आपको लिंक चाहिए ही नहीं, आपने सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। अब देखें ये सारा शॉपिंग सेंटर है, चली जा रहा है, इसमें कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि जो जिसका आप नाम लें और वो यहाँ पे ना हो, शूटिंग से लेके फूड तक। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपने एक सूट ख़रीदा और अब वो फिट नहीं है आपको, तो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा सेंटर बनाया हुआ जिसके अंदर उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, तो वही मेक क्लोथ्स फिट। तो ये सिर्फ फिट बना करते हैं उसको, कपड़ों को। ये देखिए, तो एक छोटा सा सेंटर बनाया है उन्होंने, और उसमें से लोगों का कोई भी कपड़े हों तो फौरी तौर पर उसको फिट कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि फिटिंग शॉप्स होती थी पाकिस्तान के अंदर भी, जहाँ पे वो कपड़ों को फिट किया जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये भी बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट देखे आप ना, मज़े से स्विंग ले रहे हैं। प्ले एरिया बच्चों के लिए, उसका ये है कि फैमिलीज डिस्टर्ब ना हो, वो बस चुप करके शॉपिंग करता रहें और बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते रहें। और ये फ्री है, आपको इस पर कोई पैसे अदा नहीं करने हैं। ये फाइज़ है लंबा सा, ये हमारे साथ है, बल्कि मैं इनके साथ हूँ। क्रॉकरी है, और बड़ा ज़बरदस्त यूके का ब्रांड है ये क्रॉकरी का। ये एको है शूज़ का, ये बड़ा है इंग्लैंड का, ब्रिटिश है ये, और ये बड़ा मज़े का ब्रांड है जिसके अंदर ना वो कंफर्टेबल शूज़ होते हैं। ये मैं पहले बहुत ख़रीदता होता था। ये पेडक एक ये भी कंपनी है, और इसके अंदर बेड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बड़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। ये देखें ना कितना बेड को ये खूबसूरत कर देते हैं कि आप उसको बेड को इन्जॉय कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका बेड और दूसरे आपके शूज़, क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम दो जगहों पर गुजारना होता है। ये शूज़ में गुजारते हैं आप, या फिर आप अपने बेड पे गुजारते हैं। तो बेड आप हमेशा अच्छा लें, और यानी बेड से मतलब गद्दा है, गद्दा मैट्रेस आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपने शूज़ कंफर्टेबल होना चाहिए। उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा शूज़, उतनी आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। नहीं तो हमेशा हम ना शूज़ बड़ा बुरा लेते हैं, जिससे हमें बहुत हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है।
सारे देखे हैं, स्पेन के अंदर भी एक है और उसके अंदर भी बहुत बड़ा शॉपिंग विलेज है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। इसके अंदर मेरे नहीं ख्याल का कोई दुनिया में अच्छा ब्रांड होगा और वो यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांड जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप उसको बस देखते जाएँ, खरीदते जाएँ।